हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल इंडियन मॉम कैंचन। सो गाइस, यहाँ पर दोपहर का टाइम था और मैं बना रही थी एग भुर्जीन के लिए। एक्चुअली इनको जो मैंने बनाया था वो नहीं खाना था, और बोल रहे थे कि नहीं मुझे अंडा भुर्जी खानी है आज। तो मैंने सोचा चलो उनके लिए अंडा भुर्जी बना देती हूँ, और टोमेटो भी नहीं थे तो इसी वजह से मैं इसी तरह से सिर्फ प्याज डाल के बना रही हूँ। और सिर्फ प्याज डाला है उसमें, क्या बोलते हैं, हल्दी, मिर्च, नमक, जीरा पाउडर और धनिया पाउडर ऐड किया है, और उसके बाद मैं एक तोड़ के डाल दे रही हूँ। बस सिंपल तरीके से अंडा भुर्जी बना रही हूँ, और आप लोग भी ऐसे ही बनाते होंगे अगर टोमेटो नहीं रहा तो। अगर टोमेटो रहा ना, मैं डाल देती हूँ टोमेटो भी। तो इनको सिर्फ टोमेटो और प्याज डालना ही पसंद है, बाकी लोग डालते होंगे कुछ कुछ और भी, तो इन्हें ऐसी ही भुर्जी पसंद है, तो मैं इस तरह से बना देती हूँ उन्हें। और बहुत जल्दी बन जाती है तो इसी वजह से कुछ टाइम पर भी इन्होंने बोला तो मैं बना के दे देती हूँ उन्हें, तो कुछ प्रॉब्लम नहीं होता है। तो इस तरह से जल्दी से बना के दे दूँगी उन्हें अंडा भुर्जी, और उसके बाद वो खाना खा लेंगे। और अभी अभी ड्यूटी से आए थे तो मैंने सोचा, और गर्म रहती है ना तो अच्छी भी लगती है, जब वो थोड़ी सी ठंडी हो जाती है तो इतनी ज़्यादा अच्छी नहीं लगती है, तो इसीलिए गरम गरम ही खाने का मज़ा आता है इसे। तो इसीलिए वो बोल रहे थे कि नहीं मुझे वो नहीं खाना है, एग भुर्जी खाना है, तो बना दिया मैंने ये। और इसके बाद मैं इनके लिए थाली परोस दूंगी, उसके बाद वो खाना खा लेंगे। और बस इस तरह से धनिया पत्ता ऐड कर लिया है और थोड़ी देर होने दूंगी, और उसके बाद उनके लिए थाली परोस दूंगी। तो बस यही है आज का उनका लंच, बस पापड़ भून ले रही हूँ। पापड़ भुने भी इन्हें अच्छे लगते हैं, वो फ्राई किए हुए पापड़ ना इतने अच्छे नहीं लगते हैं उन्हें, तो इसी वजह से पापड़ भूनती हूँ मैं उनके लिए। क्योंकि वो बोलते हैं कि यार फ्राई किए हुए पापड़ पता नहीं क्यों टेस्ट ही चला जाता है फ्राई किए हुए पापड़ का, तो इस तरह से भुने हुए पापड़ अच्छे लगते हैं। कभी कभी फ्राई भी कर लेती हूँ मैं, बट वो ज़बरदस्ती खाते हैं फ्राई किए हुए पापड़, बट ये जो पापड़ है भुने हुए वो बहुत चाव से खाते हैं। तो इस तरह से उनकी ये थाली है, क्या बोलते हैं, तो लंच की। और हम लोगों ने लंच कर लिया था, सिर्फ वही रह गए थे। मैंने ना आज बच्चों के साथ ही खाना खा लिया था, लंच कर लिया था, तो इसी वजह से वो अकेले ही रह गए थे बेचारे आज खाना खाने के। तो वो अकेले ही खाना खाएंगे यहाँ, और अद्विक साथ देता है उन्हें, अद्विक साथ में खाना खाता है उनके, और मैं ना दो दो बार नहीं खा सकती हूँ यार, इसी वजह से मैं उनके साथ आज मैंने नहीं खाया। वो थे और बस अद्विक था, अद्विक यहाँ पर खाएंगा उनके साथ। ये है शेजवान चटनी, उनको शेजवान चटनी बहुत ज़्यादा पसंद है, तो इसीलिए ये शेजवान चटनी डाल देती हूँ, थोड़ी सा अचार डाल देती हूँ। और ये है उनकी थाली लंच की, बस उनको दे दूँगी परोस के, और उसके बाद वो खाना खा लेंगे। और उनके खाना खाने के बाद उन्हें मैंने ये अमरस दिया था, अमरस बनाया था, तो अमरस दिया था। आजकल रस तो डेली ही बन रहा है, तो बस ये दे दिया था उन्हें। यहाँ पर बारिश की वजह से देखो ग्रीन नेट का क्या हाल हो गया है, ग्रीन नेट टूट गई है, यहाँ पर लगी थी वो, तो देखिए। और बारिश रुक गई है तो अच्छा लग रहा है अभी, मतलब बाहर का मौसम बहुत अच्छा हो गया है, तो इसी वजह से मैं बाहर आ गई हूँ। यहाँ पर जो पिंजरा है वो भी निकाल दिया है इन्होंने, ये चिड़ियों का, मतलब वो लव बर्ड्स का, तो अच्छा लग रहा है यहाँ पे। ग्रीन नेट इनका वही होता है, जैसे कि बारिश हो जाती है उसके बाद ग्रीन नेट टूट जाती है, उसके बाद वो क्या बोलते हैं टाई करते हैं, हमेशा का ही है वो। तो गाइज मैं यहाँ पर आ गई हूँ अभी, मतलब ऊपर वाली गैलरी में। एक्चुअली मुझे कुछ बात करनी थी आप लोगों से, तो मैंने सोचा चलो आपसे बात कर लेती हूँ इस बारे में, क्योंकि कल जो होम टूर डाला था उस पर काफ़ी लोगों की कमेंट आई है, मतलब कुछ लोग निगेटिव वे से भी बोल रहे हैं, कुछ लोग पॉजिटिव वे से भी बोल रहे हैं, क्योंकि बहुत लोगों की गलत फहमी हो रही है। वो ये बोल रहे हैं कि आपके सास ससुर यहाँ पर क्यों नहीं रहते हैं, आपने अपने सास ससुर को यहाँ पर क्यों नहीं रखा है, वो बेचारे वहाँ पर अलग रहते हैं, मतलब गांव में रहते हैं, और आप लोग यहाँ पर अच्छे से मजे कर रहे हो। अगर आप मेरे ओल्ड सब्सक्राइबर होते तो ये बात मुझे बिल्कुल नहीं बोलते, क्योंकि अहो इकड़िया, क्योंकि मेरे ओल्ड सब्सक्राइबर को पता है कि मेरे जो ससुराल वाले हैं वो हमेशा आते ही रहते हैं यहाँ पे, और इकड़े तो कुछ लोग ना मतलब बहुत गलत वे से कमेंट कर रहे हैं और बहुत गलत तरीके से बोल रहे हैं, तो इसीलिए मैंने सोचा चलो आपसे आज क्लियर कर देती हूँ। कुछ लोग बोल रहे हैं कि आपके ससुराल वाले यहाँ पर नहीं रहते हैं, मतलब ससुराल वाले नहीं, क्या बोलते हैं, सास ससुर यहाँ पर नहीं रहते हैं, और वहाँ पर अकेले आप सास ससुर को रखते हो और आप यहाँ पर मजे कर रहे हो। तो मैं आपसे बता दूँ कि मेरे जो सास ससुर है वहाँ पर अकेले नहीं है, हम लोग मेरी मतलब दो जेठानियाँ भी वहाँ पे हैं, और सबके घर अलग अलग है। जहाँ पर सास ससुर रहते हैं वहाँ पर, मतलब जो मेन घर है हमारा, वहाँ पर मेरी बीच वाली जेठानी रहते हैं, मतलब इनके बीच वाले भैया रहते हैं,
और जो मेरी बड़ी जेठानी है और बड़े भैया है उनका अलग से घर है, वो भी मैं आपको कभी दिखा दूंगी। वहाँ पर पहले हम लोग वहाँ पर ही जाते हैं क्योंकि स्टैंड पर से वही घर पास में पड़ता है, तो पहले वहाँ पे जाते हैं फिर हम लोग यहाँ पे आते हैं। तो वहाँ पर मम्मी पापा अकेले नहीं रह रहे, और रही बात यहाँ पर आने की, तो वो लोग मतलब आप भी बोलो ना यार। नहीं, कैसा है मालूम है क्या? हाँ, जो गाँव के लोग रहते हैं उनको सिटी के अंदर अच्छा नहीं लगता, अच्छा है घर मतलब कितना भी कुछ हो उनको मन नहीं लगता, मन नहीं लगता क्योंकि जो गांव के लोग रहने वाले हैं उनसे मालूम मत करो, पूछ लो क्योंकि कैसे होते हैं वो लोग, क्योंकि हम भी गांव से ही है बट जॉब के कारण हम सिटी में आ गए और बच्चों की पढ़ाई की वजह से यहाँ घर बांध के सेटल हो गए। बट यहाँ से हमारा घर और यहाँ का डिस्टेंस बहुत पास है और ये जो रास्ता है हमारे घर का, संडे या सैटरडे जब भी हॉलीडे रहता है तो हम मिलने जाते हैं। मदर फादर को यहाँ लाया था, लाने के बाद में कैसा है उनको अभी यहाँ सिटी में कैसा है कि गांव के जैसा नहीं कि यहाँ अपना घर है तो उधर बैठने चले जाओ, उधर चौक में जाओ। हाँ, यहाँ ऐसा कुछ होता नहीं, और यहाँ पर घर भी पास पास नहीं है बिल्कुल, आपने देखा होगा। और यहाँ पे सिटी में और गांव के अंदर बहुत डिफरेंस है, क्योंकि गांव में आप कहीं भी घूम सकते हो क्योंकि बचपन से लेके बुढ़ापे तक वही लोग होते हैं। और सिटी में कैसा है कि आप यहाँ के मेरे घर से या कि आपके किसी भी घर से दूसरे में घर में आप जाओगे तो लोग सोचेंगे यार एक दिन हो गया, एक दो दिन हो गया, आपकी उसकी इज्जत रहेगी, उसके बाद में कोई उसको पूछा नहीं जाएगा। और चार लोग आपको बोलेंगे कि यार आपके मदर फादर तो या उनके घर में जाके बैठते हैं, ऐसा होता ये है, ये बात भी होती है। तो इसी वजह और वो रही बात कमेंट करने वाली ये बात है कि आप जो सोच रहे हो कि मेरे मदर फादर यहाँ नहीं रहते, इससे अच्छा अगर अच्छा सोचो कि ये तीनों भाई का तीन घर है हमारा, ठीक है। और फिर भी हम लोग मतलब जब ऐसे कुछ प्रोग्राम होता है या कुछ बहुत अच्छा रिलेशन है हम लोगों का, वो भी सुन रहे होंगे या वो भी अभी ये वीडियो देखेंगे ही, साथ रहते हैं हम लोग, सब रिलेशन अच्छा है हमारा। और आप लोगों की एक दो कमेंट की वजह से नहीं, कमेंट देखो ये जो कमेंट करने वाले होते हैं ना उनके अंदर क्या प्रॉब्लम चले वो उनके वही उनको उनको मालूम है क्या है, और जिसने कमेंट किया है उसको और वो अपने सास ससुर कितना सुख देती होगी वो उसको ही मालूम होगा। नहीं फिर भी मम्मी पापा यहाँ पर आते हैं, मम्मी पापा रहते हैं। जो आप पुराने सब्सक्राइबर होंगे तो आपने देखा होगा बर्थडे से लेके गणपति का जो भोजन है सब, जो हमारे घर में गणपति का भोजन भी होता है, गणपति बैठता है हमारे घर में, तो जितने भी प्रोग्राम हमारे घर में हुए तो हमारे घर के जो भी मदर फादर है भाई बहन से पूरे बच्चा और बाकी के अदर भी जो हमारे क्लोज रिलेशन है वो भी लोग यहाँ पे आते हैं। एक्चुअली क्या होता है कि मतलब जो हमारी सिटी है वो बहुत पास है और एक ही सिटी है यहाँ पे जो पास है गांव के, और पर जो भी उनको सामान चीज़ें चाहिए होती है तो वो यहाँ पर ही उन्हें आना पड़ता है। और हमारा जो घर है मतलब जो हमारे यहाँ का घर है सिटी का, तो हमारे गांव के रास्ते में ही पड़ता है, तो यहाँ से ही होके उन्हें सिटी में जाना पड़ता है। तो पहले वो यहाँ पर विजिट करते हैं, मतलब यहाँ पर बच्चों से मिलने के लिए आते हैं, उसके बाद वो वहाँ पर जाते हैं। तो जब भी भैया आते हैं, भैया हमेशा भैया ही आते हैं, दोनों भी या कुछ काम की वजह से आते हैं, पापा की एज हो चुकी है तो पापा कुछ आते नहीं है यहाँ पे ज़्यादा, और मम्मी आती है बीच बीच में क्योंकि भैया वगैरह लेके आते हैं या हम वहाँ पे जाते हैं तो हम लेके आते हैं मम्मी को, पापा बहुत कम आते हैं, और भैया आते हैं, जेठानियाँ नहीं आती है मेरी, दीदी बहुत कम आती है, दीदी में कभी प्रोग्राम रहा तभी दीदी आती है हेल्प वगैरह करने के लिए, वैसे दीदी बहुत कम आती है क्योंकि आना ही नहीं होता है, बच्चों की पढ़ाई रहती है सब कुछ रहता है, तो इसी वजह से बच्चों की वजह से उनका निकलना नहीं होता है। तो भैया वगैरह आते तो मेरा ये तो नहीं मैं कर सकती कि भैया आए यार चलो कैमरा उठा लिया और उनको चाय भी नहीं दी और चाय पीते हुए भैया को शूट कर लिया या कुछ बात करते हुए भैया को शूट कर लिया, ऐसा तो नहीं हो सकता है क्योंकि वो मेरे जेठ है और उनकी रिस्पेक्ट उतनी करनी पड़ती है। और ऐसा नहीं है मेरे घर पे कि यार मुझे कुछ मतलब वो कुछ ऐसा मतलब फ्री रहते हैं हम लोग सभी, बट फिर भी होता है उनकी रिस्पेक्ट उनको देनी पड़ती है उतनी, तो ये नहीं होता है कि चलो यार कैमरा उठा के हमेशा शूट करती रहूँ, मैं हमेशा शूट करती रहूँ, भैया आते ही रहते हैं यहाँ पे, कोई भी चीज़ चाहिए होती है तो यहाँ पर ही आते हैं और वो यहाँ से ही सारी चीज़ें लेके जाते हैं, बच्चों से मिलते हैं, चाय वगैरह पीते हैं, नाश्ता वगैरह करते हैं, कभी खाना खाना हुआ तो खाना खाते हैं, पहले ही बोल के रखते हैं मुझे कि खाना खाने आएंगे तो खाना खा के फिर चले जाते हैं, तो वो शूट नहीं करती। और रही मेरी मायके वालों की बात, तो मेरे मायके वाले तो इतना नहीं आते हैं। नहीं नहीं, तो कंचू देखो तीन भाइयों का तीन घर है और जिसमें मेरा बचपना तीनों भाइयों का बचपना गया, वो जो आपने पिछले वाले में ब्लॉग में डाला तो वो पुराना घर है हमारा, मतलब जहाँ हमारा बचपना गया तीनों भाइयों का, उसके बाद में हमारी शादी होगी, हम ये हो गए मतलब अलग अलग घर बांध लिया, मैं तो जॉब की वजह से आ गया, उन्होंने भी अलग अलग घर बांध लिया। तो जो अपने माता पिता होते हैं जिनका पहले से पुश्तैनी जो घर होता है
वहाँ पर ही वहाँ रहना पे वो आप पसंद रहना कर। पसंद करते हैं हाँ क्योंकि उनको पहले से लेके जैसे उनके फ्रेंड है, हाँ मतलब खाना वाना खाया कुछ भी खाया तो जाने के बाद घूम के एक सैर सपाटा मार के वो आ सकते हैं। लेकिन सिटी में कैसा है, किसी को कोई लेन देन नहीं होता, अपना परिवार, अपना घर, अपना जॉब, बस वो कौन क्या कर रहा है, कौन क्या नहीं कर रहा, किसी से कोई मतलब नहीं मतलब रहता। नहीं रहता है हाँ तो इसी और वजह से उनकी मतलब मदर फादर की मर्जी है, वो तीनों भाई के पास में कभी भी आ सकते जा सकते ऐसा कुछ होता और वो नहीं है। जाते भी है, मतलब बड़ी जेठानी के यहाँ पे भी एक दो दिन जाते हैं, वहाँ के भाई हैं फिर भी एक दो ये दिन जाके होता है और रुकते कुछ नहीं। हैं। और बीच वालों के यहाँ पे तो रहते ही है वो, वहाँ मतलब बीच वाले भैया वहाँ पे रहते हैं और हम लोग यहाँ पे रहते हैं तो हम लोग कभी वहाँ पर मिलने के लिए जाते हैं, मम्मी का मन किया तो उनको यहाँ पर लेके आते हैं, एक दो दिन रहते हैं अपनी मर्जी से वो फिर चले जाते हैं, मन इसलिए नहीं लगता है उनका आपको मन पता नहीं है। लगता है यहाँ पे तो इसी वजह से। बट मम्मी एडजस्ट कर लेती है, मम्मी रहती है, बट पापा का मन नहीं लगता क्योंकि पापा को आदत हो चुकी है, शाम हो गई या सुबह सुबह ही पापा निकल जाते हैं बाहर उनके फ्रेंड्स से मिलने। खेत है उसमें, खेत हाँ में भी वहाँ जाके पर आते खेत भी हैं। है हमारा तो वहाँ पर भी जाते हैं, तो ऐसा होता है यार। आप लोग फालतू में निगेटिव कमेंट करके और ये फालतू में हमारे दिमाग में भी नहीं नहीं ऐसा वो कर कुछ रहे नहीं, हो ये और सब आप भी खुद परेशान हो रहे हो कि यार ये सास ससुर के यहाँ पे नहीं रहती और मेरे मायके वाले भी बहुत कम आते हैं। और आपने देखा होगा अगर आप मेरे पुराने सब्सक्राइबर होंगे तो मैं एक एक साल के बाद अपने मायके जाती हूँ। पिछली बार होम टूर शेयर किया था मायके का तो उस टाइम भी मैं एक साल के बाद गई थी और एक एक साल के बाद, और रही मेरी मायके वालों की बात तो वो भी बहुत कम आते हैं यहाँ पे। यहाँ पर शादी रही है हमारे सिटी में तभी आते हैं या कुछ काम रहा तभी आते हैं। और मेरा जो भाई आता है पुणे वाला यहाँ पे तो उसका ससुराल है यहाँ पे, इसी वजह से उसका आना होता है, मतलब वाइफ को लेके आता है, वो एक दिन मेरे घर पे रुकता है एक दिन वहाँ पे रुकता है फिर चला जाता है, तो वो भी बहुत कम आते हैं छुट्टी पे, तो ऐसे वो लोग भी बहुत कम आते हैं और मैं भी वहाँ पर बहुत कम जाती हूँ। ये तो है कि मेरे मायके वालों से ज़्यादा मेरे ससुराल वाले आते हैं क्योंकि डिस्टेंस बहुत कम है यहाँ का ससुराल का, और मायके का डिस्टेंस 2.5-3 घंटे का रास्ता है, 2.5 घंटे का रास्ता है, और यहाँ पर जो मेरे ससुराल का डिस्टेंस है वो तो 17 किलोमीटर ही है, बहुत पास है, तो इसी वजह से वो लोग ज़्यादा आते हैं और वो लोग बहुत कम आते हैं। तो निगेटिव कमेंट करने वाले क्या बोल रहे हैं कि आपके मायके वाले यहाँ पर पड़े ही रहते हैं, उन्होंने देखे नहीं यार व्लॉग चले कुछ भी नहीं, मायके पड़े वाले मायके वाले यहाँ पर पड़े रहते हैं, मतलब मायके वाले आते ही रहते हैं बेचारे ससुराल वाले, सास ससुर यहाँ पे, मतलब सास ससुर को आप लेके नहीं आते हो, यहाँ पर मजे कर रहे हो सिटी में और सास ससुर बेचारे गांव में अरे गांव वो गांव में में नहीं रहेंगे तो कैसे रहेंगे यार, इस्तेमाल क्यों है। हाँ वो उनका घर नहीं छोड़ना चाहते हैं, उन्होंने जो इतनी मेहनत से घर बनाया था, नहीं कोई भी मतलब अपना घर नहीं छोड़ना हाँ चाहता पता, तो बट जहां लेकिन उनका मन यहाँ पर लगे। हाँ हम लोग इसी वजह से हम लोग वहाँ पर मिलने चले जाते हैं, वो यहाँ पर बहुत कम आते हैं इसी वजह से हम लोग सैटरडे संडे वहाँ पर मिलने के लिए चले जाते हैं। तो यही था बस, और यही बोलना था मुझे, क्लियर करना था, और ये आ गए तो मैंने सोचा चलो इनके सामने ही क्लियर कर देती हूँ, वरना आप बोलोगे कि यार ये तो अपने हस्बैंड से छुपा के बात कर रही अरे उस दिन, उस है। दिन देखो हम गए थे, वो छोटे भैया की मेरे से बड़े भैया की वो बच्चों को कितना प्यार से वो पीछे लग के आ गई। अच्छा यहाँ पर आ गई है वो मेरी जिठानी की बेटी जो है यहाँ पर आ गई है, और हाँ कल मेरा बर्थडे है, मतलब 11 को, आप बर्थडे विश करना मत भूलिएगा क्योंकि आप लोग मुझे कमेंट करते हो बर्थडे विश करने के लिए, मतलब पहले ही दिन, इसी वजह से मैं आपको पहले ही दिन बता रही हूँ। तो 11 को मेरा बर्थडे है, पता नहीं ये व्लॉग अभी आज जाएगा या 11 को जाएगा, तो जिस दिन भी जाएगा तो आपको मैं इसी वजह से बता रही हूँ। और अंधेरा हो गया है, अंधेरा काफी हो गया है। हाँ अंधेरा हो गया है, इसी वजह से बहुत ज़्यादा मतलब लाइट कम लग रहा है। तो चलिए फिर इस ब्लॉग को यहीं पे एंड करती हूँ और मिलती हूँ अच्छे से नए ब्लॉग में। आपसे ये क्लियर करना था, ये आपको बताना था, इसी वजह से मैंने आपको बता दिया। जो गलत कमेंट करने वाले हो वो तो हमेशा करते ही रहेंगे, और जो पॉजिटिव सोचते हैं तो उनके लिए भी ये आंसर था क्योंकि बहुत अच्छी तरीके से भी कुछ लोगों ने पूछा था मुझे, और कुछ कुछ ऐसे थे कि निगेटिव वे से भी पूछ रहे थे, तो इसी वजह से सबको आंसर करना था मुझे और मैंने कर दिया। तो चलिए फिर इसके साथ ही इस ब्लॉग को यहीं पे एंड करती हूँ। अगर वीडियो पसंद आता है तो लाइक ज़रूर कर देना, शेयर भी कर देना अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ, और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके ही जाना। तो चलिए फिर मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में आपसे, टिल देन बाय बाय, टेक केयर एंड लव यू ऑल, बाय बाय।